So, good evening, friends, and welcome to UPS Udaan in the daily newspaper analysis of 21st of May. So, myself Nehit Kishore, और आप जैसा देख सकते हैं आज का जो इमेज ऊपर में दिख रहा है आपको, तो डेफिनेटली हमने अंटार्कटिका में लार्जेस्ट आइसबर्ग को खोज लिया है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े आइसबर्ग के वो ब्रेक होकर अलग हुआ. तो A76 इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो और भी बाकी न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. छोटा सा लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन. तो पहला, अगर आप एडिटोरियल की आज की बात करोगे, उसमें जो एडिटोरियल है दैट इज़ द आउटडेटेड नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, आउटडेटेड नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये हमारा आज का एक वन ऑफ द एडिटोरियल्स है. आखिर ये किस चीज़ की बात कर रहा है और ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसको अगर देखेंगे तो सिलेबस में हमारे जो GS पेपर 2 मेंस में गवर्नेंस का जो पार्ट है, तो गवर्नेंस के पार्ट में हमारा एक टॉपिक है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी. इसीलिए हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी है करेंटली, उसका नेचर जो है वो आउटडेटेड बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के द्वारा. तो हम लोग उसको पूरा एनालाइज करेंगे इस आर्टिकल को कि आखिर कहना क्या चाह रहा है ये आर्टिकल. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो एक्सपेक्टेड मेंस का क्वेश्चन हमें निकल कर सामने आएगा, अगर उसकी बात करें तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी विच इज़ बेस्ड ऑन वेबेरियन मॉडल. हम लोग सब देखेंगे क्या होता है वेबेरियन मॉडल एंड ऑल दोज थिंग्स, बट लेट अस लुक एट द क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. तो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी विच इज़ बेस्ड ऑन वेबेरियन मॉडल हैज़ आउटलिव्ड इट्स एज, मतलब इनका टाइम खत्म हो चुका है, एंड द न्यू मॉडल्स लाइक मॉडल्स ऑफ न्यू पब्लिक गवर्नेंस एंड होल्ड द फ्यूचर. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो फर्स्ट दे आर आस्किंग डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, डिस्कस. देन ऑल्सो दे आर आस्किंग दैट वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द मॉडल ऑफ न्यू पब्लिक गवर्नेंस. ओके, सो वी विल ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन वन बाय वन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल. वॉट इज़ द बैकग्राउंड? बैकग्राउंड क्या है इसका? तो जो कोविड 19 का पैंडेमिक सिचुएशन है, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज लेकर आया हमारे लिए. किसके फील्ड में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में. एंड इट हैज़ टेस्टेड द रिजिलियंस ऑफ ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन, बिकॉज आपको पता है कहीं ना कहीं इससे बड़ी पैंडेमिक आज तक इंडिया ने नहीं फेस करी होगी. तो इस टाइम पे जो हमारा मोस्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में देखने को मिला है. और ये लगभग हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन का क्या एक रिजिलियंस टेस्ट कर चुका है ऑलरेडी. और अल्टीमेटली हम एक चीज को आराम से कह सकते हैं दैट द ब्यूरोक्रेसी हैज बीन नॉट वेरी एफिशिएंट, सो दे हैव बीन बीइंग ब्लेम्ड फॉर इट्स इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द कोविड 19 क्राइसिस. और उसी चीज को यहाँ पे पूरे इस आर्टिकल में, उस एडिटोरियल में हमने जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करी है. तो एकेडमिशियंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द आउटडेटेड नेचर ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट्स इनइफेक्टिवनेस, जो कि कोविड 19 के दौरान हम लोगों को दिखा है. ठीक है, अब अगर बात करें कंसर्न कि क्या कंसर्न इस एडिटोरियल ने रेज करे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द करेंट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, तो अगर अभी का हम लोग कंसर्न की अगर बात करें, तो कंटिन्यूड रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. कंटिन्यूड रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ट्रेडिशनल है और हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, किसके ऊपर? ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. अब ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जब ये चीज़ को एस्टैब्लिश किया, देन डेफिनेटली ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो था वो उसी टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट था. जो कि दिस आर्टिकल इज सेइंग दैट इवन इन द 21st सेंचुरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर स्टिल रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी. जो कौन लेकर आया था? वेबर, मैक्स वेबर. मैक्स वेबर जिनको कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल था उसको ही ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है. ठीक है, तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी में आकर भी हम लोग ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी पे टोटली डिपेंडेंट है. किस काम के लिए? टू परफॉर्म आवर पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रोल्स. अब देखो, पब्लिक फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी, बट डोंट यू थिंक कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर मल्टी स्टेक होल्डर्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे तो वो ज़्यादा काम आएगा. बट ये ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी इसके लिए अलाउ नहीं करता था. तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक है कि हम लोग जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को फॉलो कर रही है. ठीक है, अगला कंसर्न अगर देखा जाए जो कि बेसिकली वेबोरियन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से रिलेटेड है, वो है कंटिन्यूड प्रेफरेंस ऑफ फॉर जनरलिस्ट ओवर स्पेशलिस्ट. तो आपके भी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो पेपर पढ़ते हैं उसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं? जनरल स्टडीज.
कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स जा रहे हैं, इलेक्ट होकर पहुंच रहे हैं, जो सेलेक्ट अपॉइंट होकर जाते हैं, दे आर मोस्टली जर्नलिस्ट इन नेचर, ठीक है? तो अभी भी इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या प्रेफर कर रही है, दे आर प्रेफरिंग जर्नलिस्ट ओवर स्पेशलिस्ट। तो ये डिवाइड जो है ये हमेशा से देखने को मिला है कि डू यू थिंक इट इज़ द राइट टाइम कि अब स्पेशलिस्ट को इंक्लूड किया जाए? और एक इनिशिएटिव इस और जो है वो किसने लिया है, गवर्नमेंट ने लिया है थ्रू लेटरल एंट्री प्रोग्राम्स। लेटरल एंट्री के में जो प्राइवेट फील्ड के भी लोग हैं वो भी इसमें आकर अपनी एक्सपर्टीज, अपनी स्पेशलाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेशलिस्ट के लिए काम अभी किया जा रहा है धीरे धीरे, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है? तो दिस COVID-19 पैंडेमिक हैज़ एक्चुअली एक्सपोज द वीकनेस ऑफ सच एन अप्रोच, द लैक ऑफ अथॉरिटी टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु आर स्पेशलिस्ट टू कैरी आउट पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैन बी काउंटेड एज वन ऑफ द मेजर लैकुने इन आवर पॉलिसी रिस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर स्पेसिफिकली मैंसन अबाउट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जस्ट लाइक दिस इन एवरी फील्ड दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर स्टिल रिलाइंग मोर ऑन द जर्नलिस्ट आस्पेक्ट ओवर द स्पेशलिस्ट आस्पेक्ट। ओके, नाउ ऑल्सो वट वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी टॉक्स, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली प्रिफर्स लीडरशिप ऑफ पोजिशन ओवर लीडरशिप ऑफ फंक्शन। तो वट इज लीडरशिप ऑफ फंक्शन? तो लीडरशिप ऑफ फंक्शन तब होता है जब किसी इंसान के पास एक एक्सपर्ट नॉलेज है किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सरसाइज करेगा, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑल्सो केपेबल ऑफ एंड इज ऑथोराइज टू रिस्पॉन्ड टू इवॉल्विंग सिचुएशन। अब होगा क्या, आगे सपोज देयर इज सम सर्टेन सिचुएशन गोइंग ऑन, ओके? नाउ हियर द हाइएस्ट अथॉरिटी इज सपोज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके? नाउ ही विल गिव सम ऑर्डर्स टू इट्स सबॉर्डिनेट्स। सो सपोज दिस ए इज वन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। नाउ इन द लीडरशिप ऑफ फंक्शन अप्रोच वट इट वॉज सजेस्टेड दैट नाउ ए विल बी लुकिंग आफ्टर दैट सिचुएशन बिकॉज ही इज प्रेजेंट एट ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, ओके? सो ही इज बेटर टू मैनेज दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अभी क्या होगा कि ए को हम लोग पूरी छूट दे देंगे कि अब इस सिचुएशन के बाद आप क्या करो, जो इवॉल्विंग सिचुएशन अगर हो रही है, एक बार जो आपने गाइडेंस फॉलो कर लिया ठीक है, बट अभी सिचुएशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें आप क्या करो, उसमें आप अपना माइंड यूज़ करो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, रैदर देन कि आप हर सिचुएशन जो इवॉल्व हो रही है, जो चेंज हो रही है, उसमें आप परमिशन जो है वो या डिक्टेट करो, किसका इंतज़ार करो, जो हायर अथॉरिटी है। तो ये लीडरशिप ऑफ फंक्शन होता है, बट ये भी अभी हमारे ब्यूरोक्रेसी में फॉलो नहीं किया था, बिकॉज वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी क्या बात करती है, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी टॉक्स अबाउट लीडरशिप ऑफ पोजिशन, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ टू इट ऑर्डर्स एवरी टाइम इफ दे हैज टू डू एनी थिंग, ओके? तो ये चीज है। और अगर हम लोग कंसर्न की बात करेंगे तो दिस पर्टिकुलर थिंग एक्ट एज अ मेजर लिमिटेशन फॉर डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस विच इज मोर इफेक्टिव। अगर यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डीएमसी अदर सबॉर्डिनेट्स का, बट सेम थिंग वर्क हैपन्स विद सीएम एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके? तो दिस हैज रिजल्टेड इन अ सिचुएशन वेयर द ब्यूरोक्रेसी हैज बिकम एंड एंड इन इट सेल्फ रैदर दैन अ मीन्स टू एन एंड। दैट मीन्स ब्यूरोक्रेसी जो कि हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी कुड बी यूज एज अ मीन्स टू अचीव गुड गवर्नेंस, ओके? बट ब्यूरोक्रेसी जो क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी अब अपने आप में एंड की तरह काम करने लग रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज फॉर बेटर गवर्नेंस, बिकॉज इनके अंदर ही क्या है, बहुत सारे लैक्यूने देखने को मिल रहे हैं। तो दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज एज मीन्स टू अचीव एन एंड, दैट इज इम्प्रूव्ड गवर्नेंस और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों के लिए नहीं यूज़ कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ओके? ऑल्सो द राइट रिजिड अधेरेंस टू रूल्स इन द ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हैज बीन एन एरिया ऑफ मेजर कंसर्न। कहने का मतलब कोविड जैसा सिचुएशन जो कि ऑब्वियसली आपको पता है इट इज़ चेंजिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है? हर एरिया में अलग अलग तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, हर एरिया में जो केसेज के आप स्ट्रक्चर कह सकते हो वो डिफरेंट है। इट इज़ टोटली, यू कैन से इट इज़ टोटली कम्प्लीट ऑलराउंड चैलेंज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। बट वट is the lacuna here? The lacuna is the rigid adherence to the rules, okay? So strict adherence to the process and rules has resulted in COVID-19 aid getting stuck in cumbersome clearance processes. Pandemic के time पे भी जो COVID-19 का aid related जो provisions थे वो कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि clearance processes जो है वो complete नहीं हो पा रहा है। So rigid emphasis on the following of the rules and regulations and the fear of official sanctions. ऑब्वियसली अगर आप क्या करोगे, आप एक कदम आगे जाके कुछ खुद से करने की कोशिश कर रहे हो, देन इट माइट लीड टू ऑफिशियल सैंक्शंस हैव अल्टीमेटली रिजल्टेड ऑफ इनोवेशन फ्रॉम पब्लिक ऑफिशियल। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं ना कहीं पब्लिक ऑफिशियल्स के अंदर जो इनोवेशन है उसकी कमी क्रिएट कर दे रहा है जस्ट बाई
क्या कहते हैं उसको, जस्ट बाय द फियर ऑफ ऑफिशियल सैंक्शन. तो फियर है ऑफिशियल सैंक्शन का, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है. ठीक है, और अगर बात करें लिमिटेशंस ऑफ आउटराइट प्राइवेटाइजेशन, देखो ऐसा बात नहीं है कि जो हमारा ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है दैट इज टोटली इररिलेवेंट. हमें डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना है, बट इट ऑल्सो हैज सर्टेन लिमिटेशंस. अगर उसकी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखो कि अगर आउटराइट प्राइवेटाइजेशन की हम लोग बात करेंगे देन इट ऑल्सो हैज सर्टेन लिमिटेशंस. क्या लिमिटेशंस हो सकती है? इन द लाइट ऑफ द लैक्यून इन द एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर देयर हैव बीन ग्रोइंग कॉल्स फॉर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. और उसमें ज़्यादा किसको प्रमोट किया जाए? प्राइवेटाइजेशन और मैनेजेरियल टेक्निक्स को. ठीक है, किसके? प्राइवेट सेक्टर के. विच विल बी यूज एज एन इफेक्टिव टूल टू सीक इम्प्रूवमेंट्स इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड गवर्नेंस. डेफिनेटली दिस इज द आर्ग्यूमेंट और यही लोग चाह भी रहे हैं. बट आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है दैट आउटराइट प्राइवेटाइजेशन मे नॉट बी अ वायबल सॉल्यूशन इन इंडिया स्पेशली बिकॉज देयर इज अ ह्यूज सोशल इनइक्वालिटी एंड रीजनल वेरिएशन. And you know that private sector is driven by what? It is driven by the motive of profit and hence would cater only to people and areas where their operations are financially viable. Like for example, ki where they would be determined to work. They would be determined to work in states like Gujarat, Maharashtra and states like UP, Odisha will be left behind. Bihar. Okay, so this is one of the limitation of complete privatization. Okay. Such an approach also renders the state as a mere bystander among the multiple market players with accountability being constantly shifted, especially during a crisis. So, इस time पे completely shift करना जो है वो बहुत ही बड़ी problematic situation create कर सकता है ultimately. So, now what this particular editorial suggests? उसने पहले drawback हमने देखा कि हमारा क्या drawback है, हमारा जो public infrastructure का जो drawback है, हमारा जो traditional bureaucratic structure है उसका जो drawback है वो हमने totally देखा. Now, we also looked after that कि पूरी तरह से complete जो हमारा privatization है that is also not a viable solution. तो आखिर ये editorial क्या recommend कर रहा है? This editorial is recommending about a collaborative governance. So this term becomes important. आखिर collaborative governance क्या है? So this is the most appropriate administrative reform to ensure more effective public governance. What actually happens in collaborative governance? इसमें होगा क्या कि public sector अकेले काम नहीं करेगी और ना ही प्राइवेट सेक्टर अकेले काम करेगी. ऑल विल कोलैबोरेट. तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओस, टोटल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके काम करेंगे एंड दे विल वर्क टुगेदर फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी. अभी अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको ऑक्सीजन का जो हम लोग देख रहे थे अभी इशू इंडिया में, तो आपने देखा कि एनजीओस एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो वो ज्वाइन हैंड्स और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है. कितने सारे फाउंडेशन हुए आपने कि देखा वो क्रेड का ऑक्सीजन सप्लाई, देन सोनू सूद ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड विथ ए सूद फाउंडेशन, मेनी अदर ऑल्सो सेलिब्रिटीज, देन मेनी अदर प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो पेटीएम. सो ऑल ऑफ देम केम टू इन फ्रंट एंड दे दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोलेबोरेटिव गवर्नेंस. इसका फायदा क्या होगा? वट इज द बेनिफिट ऑफ सच अ सिस्टम? तो सच अ सिस्टम वुड इंश्योर दैट देर इज नो डोमिनेशन ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड विट ऑल्सो हेल्प चेंज द बिहेवियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी टुवर्ड्स गवर्नेंस. अल्टीमेटली क्या होगा, एक तरह से हम लोग कॉम्पिटिटिवनेस की अगर ओर जाएंगे देन अल्टीमेटली वॉट विल हैपन, वी विल ऑल्सो सी द पब्लिक अथॉरिटीज विल ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव बिकॉज दे हैव टू कम्पीट विद द प्राइवेट स्टेक होल्डर्स. ओके, सो दिस विल ऑल्सो बी हेल्पिंग सम वेयर जर्नलिस्ट टर्निंग इन टू स्पेशलिस्ट. ओके, एंड अगेन लैटरल एंट्री के जो रिफॉर्म्स है दे हैव मेंशनड इट दैट दिस इज अ वेलकम मूव इन रिस्पॉन्स टू द कोलैबोरेटिव अप्रोच. ऑल्सो इन सच अ सिस्टम ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ सोशल एक्टर्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स वुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस विद पब्लिक ब्यूरोक्रेसी कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स. तो बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हो जाएंगे तो पब्लिक अथॉरिटी का काम बेटर क्या होगा, दे विल रादर कोऑर्डिनेट इट. ठीक है, एंड सच अ स्ट्रक्चर विल ऑल्सो अलाउ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ क्रिटिकल रोल बींग प्लेड बाई सिविल सोसाइटी. तो सिविल सोसाइटी को भी हम लोग कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू, क्योंकि आपने देखा है कि सिविल सोसाइटी हैज़ बीन प्लेइंग अ मेजर रोल ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. ओके, तो अगर और ये ऐसा नहीं है कि हम अभी देख रहे हैं, दिस हैज़ बीन सीन बिफोर ऑल्सो. ओके,
So the collaboration of public bureaucracy with private and social society has had a profound impact on public service delivery as seen in the following cases like Green Revolution, kiska role? M.S. Swaminathan. White Revolution, Varghese Kurien, Amul Wale. Aadhaar enabled services mein Nandan Nilekani, Infosys. And then IT Revolution, Sam Petroda. So we have already witnessed such collaborative approaches and they have been huge success in India. So why not apply all those things in even most of the areas of public administration to ensure a better governance. So in conclusion, what we can see that public sector, private players and civil society should work all together for public service delivery. And this new public governance can help address the various lacunae and will make the public administration more effective, which should be the future of governance. Okay. So this was the article, this was the editorial. It was talking about, first of all, the lacunae of the current traditional bureaucratic structure, then also the limitation from shifting completely to privatization, and ultimately it suggested a collaborative approach to have a balance between and to have to ensure the most effective way of public administration with respect to Indian society. Okay, so now moving on to the next article, world's largest iceberg breaks off, jo hamara heading bhi upar mein tha, sabse pehle photo aapne dekha. So अगर इसको सिलेबस में प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली ये इन्वायरमेंट और कहीं ना कहीं अगर आइसबर्ग ब्रेक कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक मैटर होता है किसका, क्लाइमेट चेंज का भी. ठीक है, तो अ ह्यूज आइस ब्लॉक हैज ब्रोकन ऑफ फ्रॉम वेस्टर्न अंटार्कटिका इनटू वेडल सी बिकमिंग द लार्जेस्ट आइसबर्ग इन द वर्ल्ड. तो ये अब दुनिया का लार्जेस्ट आइसबर्ग हो गया है. ठीक है, आइसबर्ग यू कैन रिलेट इट विथ मूवी टाइटैनिक, आपको पता है ये समुंदर के ऊपर जितना रहता है वो उसके नीचे 9 times तक हो सकता है. सो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ एन आइस, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है. सो यू कैन ऑल्सो इमेजिन द साइज, सो यू कैन सी दिस इज द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर आइसबर्ग. 4320 square kilometers इज द एरिया, यू कैन जस्ट इमेजिन इन योर माइंड. एंड दिस इज वेडल सी वेयर इट हैज़ फॉलन. So talking about the details, this iceberg has been named A76. So this becomes important for your examination point of view. आपके examination के लिए इसलिए important हो जाएगा कि examination में पूछेगा A76 sometimes seen in the news is related to what? And options would be confusing totally, because if you are not aware then you cannot imagine that A76 is something which has been named as an iceberg. इसलिए exactly आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, now it had been monitored by scientists. जब से ये separate होना start हुआ था, जो नीचे है उसको हम लोग बोलते हैं Ronnesels. ठीक है, तो इससे जब ये ब्रेक होना स्टार्ट हुआ तब से ये लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं. ओके, तो टोटल स्क्वायर किलोमीटर जो है वो है 4320 स्क्वायर किलोमीटर्स और ये अभी वेडल सी में फ्लोट कर रहा है. ठीक, इट इज़ स्लाइटली लार्जर देन द स्पेनिश आइलैंड ऑफ मजोरका. तो ये एक आइलैंड से बड़ा है, और अगर मैं आपको कंपेयर करूँ तो जो हमारा सऊदी नहीं अबू धाबी है, तो दिस आइसबर्ग इज 4 times द साइज ऑफ अबू धाबी. इट इज़ लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ लार्ज आइस ब्लॉक्स टू डिसलॉज इन अ रीजन एक्यूरेटली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज. तो मैंने बोला कि क्लाइमेट चेंज से इसको हम लोग डेफिनेटली रिलेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द रीजन्स ऑफ आइस ब्रेक्स. ठीक है, आइस का जो मेल्टिंग हो रहा है उसके. नाउ अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इट अपियर टू बी अ पार्ट ऑफ नेचुरल पोलर साइकिल. ठीक है, तो नेचुरल साइकिल का ये लोग पार्ट वो मान रहे हैं, बट रिसर्च इज कंटेंटली गोइंग ऑन. इसके पहले जो लार्जेस्ट आइसलैंड था वो था आइसबर्ग था वो था A23A. ठीक है, द प्रीवियस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइटल, और ये कब से था, उसी एरिया में ये 1986 से मौजूद था. तो व्हेन आइसबर्ग्स फॉर्म, आइसबर्ग्स फॉर्म व्हेन चंक्स ऑफ आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम आइस सेल्फ और ग्लेशियर्स एंड बिगिन टू फ्लोट इन ओपन वाटर. तब ये आइसबर्ग का रूप ले लेते हैं. एंड वंस इट मेल्ट्स द न्यू आइसबर्ग विल नॉट लीड टू अ सी लेवल राइज बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ अ फ्लोटिंग आइस सेल्फ. तो अब ये आइसबर्ग अगर मेल्ट भी करता है तो वो सी लेवल राइज का पार्ट नहीं माना जाएगा बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ फ्लोटिंग आइस. ठीक है, इनका नाम कैसे दिया जाता है, तो हमने देखा कि A75, हमने नाम देखा यहाँ पे A76, तो ये नाम दिया कैसे गया. तो बेसिकली दे आर ट्रेडिशनली नेम्ड फ्रॉम द अंटार्कटिक क्वाड्रेंट से इनको नाम दिया जाता था, जहाँ पे ये पहले दिखे जाते थे. उसके बाद इसमें एक सिक्वेंशियल नंबर ऐड किया जाता है, और जब ये आइसबर्ग ब्रेक होकर अलग होता है तब उसके साथ एक सिक्वेंस लेटर हम लोग ऐड. आप यहाँ देख सकते हो A76, ये आप इससे समझ सकते हो कि हमारा क्या, जब ये ब्रेक करता है तो वो सिक्वेंशियल लेटर हम लोग असाइन. इस तरह से आइसबर्ग्स की नेमिंग होती है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो नाम है वो दोनों नाम या इंपॉर्टेंट होना चाहिए. A23A, तो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है, A23A देन A76 एंड दिस वेडल
जहाँ पे ये फ्लोट कर रहा है, एंड ऑल्सो रोने आइस सेल जहाँ से ये ब्रेक होकर आया। तो ये चार चीज़ आपको बस इस न्यूज़ से इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, तो US रसिया एट ऑड्स ओवर मिलिट्री एक्टिविटी इन द आर्कटिक। आर्कटिक में बेसिकली रसिया की कुछ मिलिट्री एक्टिविटीज इधर देखी गई हैं जिसको US जो है वो स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो US रशिया ऑलवेज अपोजिंग ईच अदर, अब ऑलवेज अपोजिंग ईच अदर्स प्रेजेंस समवेयर, वही यहाँ पे भी देखा जा रहा है। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन परस्पेक्टिव से अगर है, ठीक है। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट अगर इसका देखेंगे तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक कैंपेन रन कर रही है इसके अगेंस्ट, रशियन के अटेम्प्ट्स के अगेंस्ट, जो कि अपनी अथॉरिटी कहाँ पर जाहिर करना चाह रही है, आर्कटिक के शिपिंग एरियाज़ में, ठीक है। हम लोग एक इमेज देखते हैं पहले, फिर आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो ये है नॉर्दर्न सी रूट। ये नॉर्दर्न सी रूट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो आर्कटिक से होते हुए कहाँ एंट्री दे देता है हमें, यूरोप में, ठीक है, यूरोप में एंट्री देगा, ठीक। और ये एग्जिस्टिंग रूट जो है अभी अगर रशिया की हम लोग बात करें तो ये वाला है सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया में है इधर, यहाँ पे हम लोग ऐसे देखो ये अभी एग्जिस्टिंग रूट है करेंटली, मतलब इंडिया के नीचे से होते हुए। और अगर ये रूट जब चालू हो जाएगा तो आप देख सकते हो रूट जो है कितना छोटा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें डिटेल्स की, रशिया अज्यूम द रोटेटिंग चेयरमैनशिप ऑफ द आर्कटिक काउंसिल इन May 2021। इसी साल उसने क्या किया है, आर्कटिक काउंसिल का रोटेटिंग चेयरमैनशिप लिया है। तो आपके लिए एक टास्क यहाँ पे है आपके घर के लिए, दैट इज़ आर्कटिक काउंसिल जो है उसके मेंबर कौन कौन है, ये बना कब था, ठीक है, वो आर द परमानेंट मेंबर, और कितने लोग ऑब्जर्वर स्टेटस में हैं। ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया भी होल्ड करता है, ये आपके हिंट के लिए बता रहा हूँ, इसलिए हमारे लिए आर्कटिक काउंसिल जो है अगर न्यूज़ में आया था तो इम्पोर्टेंट है। एंड फॉलोइंग दिस वॉट US डिड, US रैलीड मेंबर्स टू अपोज मॉस्कोज प्लान्स टू सेट मैरीटाइम रूल्स इन द नॉर्दर्न सी रूट एंड इट्स डिजायर टू रिज्यूम मिलिट्री टॉक्स विद इन द काउंसिल। तो आपको पता है कि आर्कटिक काउंसिल में बेसिकली कंट्रीज वो होते हैं जो आर्कटिक के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे, जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं। रशिया उसका मेंबर है बट US तो नहीं है। तो US क्या करेगा, US बाकी मेंबर्स को बोलकर इनके इस पर्टिकुलर जो मूव है रशिया के उसके खिलाफ प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। सो इट हैज़ रैलीड मेंबर्स टू अपोज मॉस्कोज प्लान टू सेट मैरीटाइम रूल्स, कहाँ, नॉर्दर्न सी रूल रूट में मैरीटाइम रूल्स बनाने की बात किसको कह रहा है, जो मॉस्को का जो प्लान है उसको US चाह रहा है कि रोका जाए। और क्योंकि रशिया का जो डिज़ायर वो क्या है कि काउंसिल के अंदर जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके साथ वो मिलिट्री अलायंस भी बनाने की कोशिश कर, एंड विच US अपोजेस, बिकॉज US का जो अपना मिलिट्री अलायंस है यानी कि नाटो, दैट इज़ ऑलरेडी बींग प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब ये जो टॉक्स थे वो 2014 में सस्पेंड हुए थे, कब, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, जो ये भी अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है, जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद से ये जो टॉक थे मिलिट्री टॉक्स ये रुक गए थे, बट अब दोबारा से जब इसने मेंबरशिप ली है तब से ये दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसको कौन अपोज कर रहा है, ओके। तो व्हाट US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज स्ट्रेस्ड, इट स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग इफेक्टिव गवर्नेंस एंड द रूल ऑफ लॉ टू इंश्योर दैट द आर्कटिक रिमेन्स अ रीजन फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेयर कंट्रीज विल बी एक्टिंग रेस्पॉन्सिबली। तो ये US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डिमांड है। कंसर्न क्या हो सकता है, रशिया हैज बिकम एक्टिव इन द रीजन ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये जो एफर्ट्स हैं दे हैव रिफ्लेक्टेड ग्रोइंग कंसर्न इन वॉशिंगटन एंड अमंग सम नाटो अलाइज अबाउट अ सर्ज इन रशियन मिलिट्री एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी इन द रीजन। तो क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे एरिया जो है ना आर्कटिक ओशन में, वो अब क्या हो रहा है, वो अब बहुत ही ज़्यादा वायबल हो जा रहा है, किसके लिए, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए। इन रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन पे जो है सबसे ड्राइविंग सीट कौन होल्ड कर रहा है, रशिया, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। इस ये चीज़ भी US के लिए क्या है, एक कंसर्न है, ठीक है। नॉर्दर्न सी रूट के बारे में अगर थोड़ी सी हम लोग बात करें तो इट इज़ वन ऑफ सेवरल आर्कटिक शिपिंग रूट्स, इट रन्स फ्रॉम नॉर्वे टू अलास्का, जो हमने देखा अभी, इट रन्स फ्रॉम बैरेंट्स सी नियर रशियाज बॉर्डर विथ नॉर्वे टू द बेरिंग स्ट्रेट बिटवीन साइबेरिया एंड अलास्का। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्दर्न सी रूट जो है वो, ठीक है। अब इंटायर रूट जो है वो आर्कटिक वाटर्स में लाई करता है, और ये कहाँ पे आता है, ये रसिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की हम लोग बात करें, ई इज इट दैट इट रन्स फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स से लेके टोटल जो आपका वो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो वो आप देख सकते हो इस इमेज के थ्रू कि 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर रशिया के ये आता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेयर रशिया इज इन ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस। तो ये न्यूज़ में क्या है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंट हो गया, नॉर्दर्न सी रूट किसके किसके बीच में है, आर्कटिक काउंसिल, ठीक है, उसके बाद बेरेंट सी, बेरिंग स्ट्रेट, ये सब हम लोगों को इन प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपके लिए शॉर्ट नोट क्या है, आर्कटिक काउंसिल और
इंडिया का कुछ कुछ ऑब्जर्वेटरीज हैं कहाँ पे, आर्कटिक ओशन में, तो उनके नाम आपको याद करने, ठीक है, जैसे हिमाद्री है इस तरह। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ क्लैरिफाइड दैट इट इज़ इन टच विथ ईरान ओवर फरजाद बी। तो फरजाद बी बेसिकली है क्या, वो बात हम लोग, ये 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आया था जब ये आया था कि ईरान जो है वो फरजाद बी जो हमारा प्रपोज प्लांट था उसके साथ वो मूव ऑन कर गया है, मतलब इंडिया के बिना सपोर्ट की, क्योंकि इंडिया की तरफ से ONGC विदेश लिमिटेड जो है ही वॉन द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे वर सपोज टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर फरजाद बी, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बहुत सैंक्शंस हैं। तो हम लोग वो देखते हैं सिलेबस में ये कहाँ पे आएगा। सिलेबस में ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट होगा। कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो, इन अ सेटबैक टू इंडिया, इंडिया अवार्ड ईरान अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपिंग द जाइंट गैस फील्ड फरजाद बी इन द पर्शियन गल्फ टू अ लोकल कंपनी। वहाँ ईरान के लोकल कंपनी को दे दिया, जो कि किसके द्वारा बनाने की बात थी, ONGC विदेश लिमिटेड के द्वारा। तो द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ स्टेट ओन ONGC इंडिया हैड इन 2008 डिस्कवर्ड अ जायंट गैस फील्ड इन द फारसी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक। तो फरजाद बी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लोर कर किया था किसने, ONGC विदेश ने, और इनको ही था कि वो इसको फर्दर, इसको जो है वो प्रोसेस भी करते। बट ये सेम जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 2012 तक नेगोशिएट किया गया, लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाया क्योंकि ईरान पे हमेशा इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाते जाते थे, स्पेशली US। 2015 में नेगोशिएशन फिर स्टार्ट हुआ और ईरान पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम लोग दोबारा से इसको स्टार्ट करने की बात कही है, बट इसके ऊपर दोबारा से नेगोशिएशन जो था वो इनकन्क्लूसिव रहा। और उसके बाद क्या लग गया, US का सैंक्शन 2018 में लग गया, क्योंकि US किससे विड्रॉ कर लिया, JCPOA ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था, ये ईरान और US का न्यूक्लियर एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, उससे चूंकि ईरान ने उसका वायलेशन किया तो US इससे बाहर निकल गया। और US इससे बाहर निकला तो अब US इसके बदले में क्या लगाने लगा, सैंक्शंस लगाने लगा। तो जब तक JCPO के दोनों मेंबर थे तब तक सैंक्शंस नहीं था, तब तक बातें इंडिया की हुई थी, बट अब फिर से सैंक्शन लगने के बाद इंडिया आगे नहीं फर्दर मूव कर पाया, जिसके कारण ईरान ने लोकल कंपनी को अल्टीमेटली फरजाद बी गैस फील्ड का जो है वो दे दिया एक्सप्लोरेशन राइट। तो इसका लोकेशन अगर आप देखोगे तो वो इस जगह पर है। ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट था। अब इंडिया ने डेफिनेटली बोला है अपने डिफेंस में कि वी आर इन टॉक्स विथ ईरान ओवर दिस पर्टिकुलर फरजाद बी, बट डेफिनेटली अगर आप देख सकते हो कि ये दे दिया गया अगर किसी प्राइवेट को, तो मतलब इंडिया का कहीं ना कहीं रोल जो है डिमिनिश हुआ। आपके प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इस न्यूज़ से, एक तो फरजाद बी, ठीक है, और इसके आसपास के जो लोकेशन है जैसे गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देन JCPOA क्या था, और जो सैंक्शंस अमेरिका लगाता है जिसको काट्सा फेमसली बोलते हैं, तो यू हैव टू राइट नोट्स ऑन काट्सा एंड JCPOA, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ देर आर सर्टेन और अदर आर्टिकल्स ऑल्सो इन द न्यूज़ पेपर विच नीड्स योर सेल्फ स्टडी रिविजन, लाइक इंश्योर ओपनिंग ऑफ FCRA अकाउंट विद इन 10 डेज ऑफ अप्रूवल, हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है। FCRA वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको फॉरेन कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट जो हमारा है, इसके इससे बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो हमारा है FCRA, इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं कि आखिर ये है क्या, ये किस चीज़ से रिलेटेड ये है, ठीक है। जो न्यूज़ में आया वो चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट समझना, तभी आप समझ पाओगे कि आखिर ये क्या न्यूज़ में बात की है, हाईकोर्ट ने आखिर बोला क्या है। ओके, ऑल्सो एक और आर्टिकल था कि NCPCR 6 गाइडलाइंस फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रेन। तो NCPCR जो है हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, तो ये भी हम लोग इसके बारे में हम लोग को नोट्स बनाना ज़रूरी है, ये क्या है, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है कि नहीं है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके मेंबर्स कौन हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को इसके नोट्स बनाने ज़रूरी है। देन तो ये आपका टास्क है। उसके अलावा फिर कुछ दो और न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ अर्ज CCI टू टेक मार्केट फ्रेंडली टैक। CCI अगेन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, दैट इज़ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये हो है क्या, ये क्या है, ये स्टैचुटरी बॉडी है या क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना है। और लास्ट जो आर्टिकल इकोनॉमी के पेज में था, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी सेल ऑफ फ्लैग्स US इन्फ्लेशन फियर्स। ये हम लोगों को इसके आगे से मतलब नहीं है क्या है, ये वी हैव टू ओनली टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी, कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, बहुत न्यूज़ में रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक शॉर्ट नोट रेडी करना है ताकि क्रिप्टो करेंसी होता। ओके, तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टूडेज न्यूज़पेपर। आप लोगों को मैं ये सारे कटिंग्स इसलिए देता हूँ
आप लोगों का जो बेसिक्स है वो कवर हो जाएगा। तो जो भी न्यूज़ में चीज़ें आ रही हैं उनसे ही बेसिक्स क्वेश्चन भी 95% चांसेस होता है कि यूपीएससी बनाएगी। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली एक बेसिक आस्पेक्ट है, ठीक है, एनसीपीसीआर एक बेसिक आस्पेक्ट है, एफसीआर एक बेसिक आस्पेक्ट है, बट चूंकि न्यूज़ में है तो जो बेसिक आस्पेक्ट के क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी भी वो भी इस इनसे रिलेटेड ही होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो यू कैन प्रिपेयर योर बेस, यू कैन प्रिपेयर योर बेसिक्स फ्रॉम न्यूज़ पेपर्स एज वेल। तो यही मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो टोटल 5 टास्क आ जाए, एक मेंस का क्वेश्चन और 4 नोट्स बनाने के लिए दिए गए हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा प्लीज़ अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए। हमारे बाकी जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस पे हमारा वीडियो कल रात को लाइव हुआ, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस एंड शेयर, क्योंकि ये जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा लोगों को पहुँचेगी वो उतना उनके लिए अच्छा होगा। तो प्लीज़ ऑल्सो शेयर दिस पर्टिकुलर ब्लैक फंगस वीडियो टू एवरी वन, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा लोग इसके कारण पैनिक कर रहे हैं। ओके, सो मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली ब्लैक फंगस वाले वीडियो का भी लिंक डाल रहा हूँ, प्लीज़ विजिट दैट। ओके, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा तो ही आपको ये पीडीएफ्स भी मिलेंगे, एंड ऑल्सो सर्टेन क्वेश्चन सीरीज इज ऑल्सो रनिंग ऑन टेलीग्राम चैनल। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब।